हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल इजी स्टडी। मैं हूं अक्षेंद्र तिवारी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम ये स्पेशल सेशन रख रहे हैं चेस प्लेयर्स के लिए। जो भी चेस सीखना चाहता है स्टार्टिंग से लेकर अंत तक, या चेस में मास्टर बनना चाहता है, तो चेस मास्टर इन 5 वीडियोस, अगले 5 वीडियो में आप चेस मास्टर बन सकते हैं। तो चैप्टर वाइज चैप्टर, 5 चैप्टर आपके लिए रहेंगे। तो ये चैप्टर 1 द बेसिक्स से हम स्टार्ट करते हैं। तो आप बैठ जाइए सीट पे अपनी, वीडियो को पॉज मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आप समझेंगे। और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा जिनके साथ आप चेस खेलना चाहते हैं। लाइक कीजिए यदि आपको वीडियो पसंद आता है, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो लाओ चैप्टर नंबर 1 द बेसिक्स, लेट्स बिगिन। द बेसिक्स में सबसे पहले मैं आपको प्री कैप बता दूं, इसमें मैं क्या समझाने जा रहा हूं। तो द बेसिक्स में आप जानेंगे कि चेस बोर्ड कैसा होता है, चेस बोर्ड क्या होता है, और जो आपके सामने ये गोटियां दिख रही हैं इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनके क्या कुछ स्पेसिफिक नाम है, क्या कुछ इनके अलग से नाम है, हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है, तो आपको इस क्लास में पता चलेगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि इनके मूवमेंट्स कैसे होते हैं या गेम के रूल्स कैसे होते हैं। तो हम द बेसिक्स की शुरुआत करते हैं और लास्ट में हम इसका रीकैप भी करेंगे। तो ये आपके सामने 3D चेस बोर्ड दिख रहा है। देखिए, मैंने ये 3D इसलिए दिखाया है ताकि आपको बिल्कुल भी परेशानी ना हो, आपको अच्छे समझ में आ जाए कि चेस क्या होता है। तो ये देखिए, ये जो है ये कहलाता है चेस बोर्ड, ठीक है, ये आपके सामने दिख रहा है। ये बहुत से कलर में होता है, लेकिन बेसिकली इसमें 2 कलर होते हैं, एक ये होता है व्हाइट और सेकंड होता है ब्लैक, ठीक है। अब इसमें 8x8 के खाने होते हैं, इसका मतलब क्या है, मतलब 64 स्क्वायर होते हैं इसमें, ठीक है। आधे 32 जो होते हैं, मतलब 32 खाने जो होते हैं वो काले होते हैं, और बाकी के बचे हुए 32 जो होते हैं वो व्हाइट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नंबरिंग वगैरह भी डली हुई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 उधर तक, और ऐसे में भी डली हुई है ABCDEFGH, ठीक है। तो 8x8 हो गया ना। तो ये देखिए, इसमें क्या होता है, चेस में हमेशा 2 टीम होती है, एक होती है ब्लैक टीम और एक होती है व्हाइट टीम, ठीक है। कई बार चेस बोर्ड में गोटियों के कलर चेंज रहते हैं, जैसे व्हाइट येलो भी थोड़ा सा रहता है और ब्लैक की जगह ब्राउन रहता है, लेकिन बेस कलर जो है, जो चेस की स्टार्टिंग हुई शतरंज की, उसमें काला और सफेद रंग लिया जाता था, तो उसी में मैं आपको बता रहा हूं। तो चेस देखिए, कुछ लोगों को बोरिंग लगता है, लेकिन यदि आप चेस में घुस जाएं अच्छे से, यदि आप उसको समझ लें, तो आपको बहुत ही मजा आएगा और आप इसको डेली लाइफ से भी रिलेट कर पाएंगे कि कैसे अपना जीवन चलता है, हमें कैसे एक से एक चैलेंजेस लाइफ में आते हैं और हमें कैसे उन चैलेंजेस से बचकर आगे बढ़ना होता है, ठीक है। तो ये देखिए, इसमें भी एक से एक टैक्टिक्स हम आगे जानेंगे, पहले आप 5 बेसिक वीडियोस देखिएगा। तो ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, आपको इधर दिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 लोग ये पीछे खड़े हुए दिख रहे हैं, और व्हाइट वाले में ही 8 लोग सामने खड़े हुए दिख रहे हैं। ये देखिए, मैं इसको टर्न करके भी थोड़ा सा दिखा देता हूं। ये देखिए, ये पूरी सेना टाइप की दिख रही है। तो ये देखिए, जो सामने 8 खड़े हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये देखिए अलग अलग कलर में खड़े हैं, ये व्हाइट पे, ये ब्लैक पे, फिर व्हाइट ब्लैक, व्हाइट ब्लैक, व्हाइट ब्लैक, ऐसा। तो क्या कुछ इसका मतलब है, चलिए जानते हैं। तो ये जो खड़े हुए हैं ये कहलाते हैं पैदल सैनिक, या इनको हिंदी में हम पिद्दल भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसे हम पॉन बोलते हैं, PAWN, ठीक है, या पॉन पीस भी कहते हैं कुछ लोग इनको, ठीक है। तो अब ये पॉन जो रहते हैं ये सैनिक के रूप में रहते हैं, ठीक है। अब इनके पीछे क्या खड़े हुए हैं, क्या ये भी सैनिक हैं? नहीं, ये स्पेशल टाइप के सैनिक हैं, ठीक है। तो ये पीछे जो खड़े हुए हैं ये 8 अलग अलग मेंबर हैं इस चेस के, जिसमें ये है ई पे, देख लीजिए आप ई पे कौन खड़ा हुआ है, ई पे कुछ खड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं हम किंग या राजा, जिसको बोलते हैं, मैंने सिलेक्ट किया तो देखिए रेड कलर का हो गया, ठीक है, इसको बोलते हैं किंग। इसके सिर पर देखिए क्रॉस जैसा बना हुआ है, प्लस जैसा साइन बना हुआ है, तो राजा की ये पहचान है, ठीक है। इसके साइड से खड़ा हुआ है कोई और खड़ा हुआ है, देखिए ये क्राउन दिख रहा है इसके सिर पर, ये देखिए ये दिख रहा है सिर पर इसके क्राउन, ये कहलाती है रानी, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते होंगे, इंग्लैंड में
रानी का शासन चलता है, सबसे हेड जो होती है वो रानी होती है। ऐसा ही कुछ चेस में भी होता है, रानी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत ही मुख्य भूमिका है इसकी। इसके बिना चेस का गेम अधूरा है। और लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि यदि चेस में यदि किसी ने रानी गंवा दी तो इसका मतलब वो चेस नहीं जीत सकता, तो ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दूसरे इसको कई बार हम वजीर भी बोलते हैं हिंदी में रानी को, और कुछ लोग और इसको इंग्लिश में हम क्वीन बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट मेंबर जो है ये है ऊंट। ऊंट हमेशा किसी भी टीम में दो होते हैं, जैसे एक देखिए ये है और दूसरा ये है, दोनों ऊंट है। लेकिन देखिए इन दोनों के नीचे जो स्क्वायर बना हुआ है, खाना है जो इसका नीचे, सॉरी खांचा है जो उसमें जिसमें खड़े हुए हैं, ये सफ़ेद है लेकिन ये काला है, एक ब्लैक है तो एक वाइट है। क्या इसका कुछ मतलब है? हाँ, अभी मैं बताता हूँ आपको। ये ब्लैक, ये वाला है, ये ब्लैक ऊंट है, ठीक है, और ये वाइट ऊंट है। ब्लैक ऊंट वाइट ऊंट का मतलब ये काले रंग का नहीं है, ये काले पे चलेगा हमेशा। ब्लैक जितने भी आपको काले खाने दिख रहे हैं, ब्लैक कलर के स्क्वायर दिख रहे हैं, उस पे ये वाला ऊंट चलेगा। ऊंट को हम इंग्लिश में बिशप बोलते हैं, कैमल नहीं बोलते इसको हम चेस में, इसको हम बिशप बोलते हैं, BISHOP, ठीक है। अब ये वाला जो राइट साइड वाला आपको एफ पे देखिए, आप F1 पे जो खड़ा हुआ ऊंट है या बिशप है, ये केवल व्हाइट वाले ही टाइल्स पर चलेगा। व्हाइट वाले टाइल्स पर मतलब जो स्क्वायर दिख रहे हैं आपको, चतुर्भुज दिख रहे हैं जो आपको, उस पर ही, सफेद वाले पर ही चलेगा ये। काले वाले पर चलना इसका वर्जित है, वहां पे इसका जाना मना है, वहां पे ये नहीं चलता, उसके रूल्स के खिलाफ है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम, नेक्स्ट आते हैं हम घोड़े पर। घोड़ा, क्या ये घोड़ा जैसा दिख रहा है? चलिए आते हैं हम पास में ले जाते हैं और जूम करके देखते हैं, जूम मैक्सिमम जूम है। ये देखिए ये दो, ये आंखें दिख रही हैं इसकी, ये मुंह दिख रहा है, ये घोड़े जैसा दिख भी रहा है ऊपर ये है, ठीक है। तो ये घोड़ा है, एक घोड़ा तो यहाँ पे भी दिख रहा है लेकिन, हाँ, तो देखिए किसी भी मैच में या सॉरी किसी भी टीम में, जैसे वाइट वाली टीम है ये, तो चेस में ये वाइट वाली टीम में दो घोड़े होते हैं, ठीक है। एक घोड़ा ये लेफ्ट साइड है, एक घोड़ा ये राइट साइड है। जैसा कि ऊंट में था दो ऊंट होते थे, ऐसे ही दो घोड़े भी होते हैं। तो ये वाइट पे खड़ा है, जैसे कि क्या ऊंट जो है वो काला वाला काले पे चलता है, काले टाइल्स ब्लैक टाइल्स पे चलता है, और वाइट टाइल्स पे खड़ा हुआ ऊंट वाइट टाइल्स पर चलता है। तो क्या ऐसा घोड़ों में भी है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो घोड़े हैं, घोड़ों को इंग्लिश में हम हॉर्स बोलते हैं, लेकिन चेस की भाषा में हम इन्हें हॉर्स नहीं बोलते, हम इन्हें बोलते हैं क्या? नाइट। इसकी स्पेलिंग है KNIGHT, हम नाइट बोलते हैं इनको, घोड़ों को। तो ये आपके घोड़े हैं, अच्छा, ठीक है। तो आपको बता दूं, घोड़े जो होते हैं, यदि ये वाइट टाइल्स पर खड़ा हुआ है और ये वाला ब्लैक टाइल्स पर खड़ा हुआ है, तो इसका कुछ भी मतलब नहीं है। आप ये मत सोचिए कि ये वाइट पर ही चलेगा या ये ब्लैक पर ही चलेगा। घोड़े जो हैं वो किसी भी टाइल्स पर चल सकते हैं। वाइट वाला वाइट टाइल्स पर खड़ा हुआ घोड़ा ब्लैक टाइल्स पर भी चल सकता है और वाइट टाइल्स पर भी चल सकता है। ऐसे ही यहाँ वाले घोड़े के साथ है, ये चाहे तो ब्लैक पर भी चल सकता है या वाइट पर भी चल सकता है। अब देखिए हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा मेंबर है चेस में, ये है हाथी। ये देखिए दीवार जैसी दिख रही है इसकी, सिर के ऊपर ये बनी हुई है, ये 1, 2, 3, 4, 5, ये हाथी है। इसको हम इंग्लिश में तो एलिफेंट बोलते हैं, लेकिन चेस में हम इसको एलिफेंट नहीं बोलते, हम इसको बोलते हैं रुख, ROOK, रुक या रुख, ठीक है। तो ये हाथी है, हाथी भी एक टीम में दो होते हैं, जैसे एक इधर देखिए और एक ये राइट साइड में देखिए। जैसे आप सोच रहे होंगे क्या ऊंट जो है, जैसे ये बिशप है, ये ब्लैक वाले टाइल्स पर खड़ा हुआ है, तो ये ब्लैक साइड में ही चलेगा। मैंने बताया था अभी आपको कि ब्लैक टाइल्स पर ही चलता रहेगा, और वाइट टाइल्स वाला जो रुक बिशप है वो केवल वाइट टाइल्स पर ही चलेगा। तो क्या ऐसा हाथी के साथ होता है? नहीं, ऐसा हाथी के साथ नहीं होता। हाथी जो है या रुक जो है, ये मतलब ब्लैक पे भी जा सकता है और वाइट पर भी चल सकता है, लेकिन मतलब एक टीम के पास दो रुक होते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेंबर माना जाता है इस पूरे मैच का। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, जो ये है क्या बोलते हैं इसको, नाइट है, मतलब जो घोड़ा है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेंबर है इस पूरे गेम का। वैसे तो सभी हैं, लेकिन घोड़ा जो है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो चेक है वो किसी से छिड़ता नहीं है। छिड़ता नहीं मतलब उसको कोई रोक नहीं सकता इसके चेक को। अब चेक क्या होता है या चेक मेट क्या होता है, ये आप 6th चैप्टर में पढ़ेंगे इस वीडियो के, या 6th एपिसोड में पढ़ेंगे। तो
अब देख लीजिए, मैं शुरू से अपन रीकैप कर लेते हैं। तो रीकैप इस प्रकार से हम करते हैं कि एक कोई भी चेस के मैच में 64 स्क्वायर्स होते हैं, 32 ब्लैक वाले होते हैं और 32 जो है वो सफेद खाने होते हैं, ठीक है। इसमें एक टीम के पास 16 मेंबर्स होते हैं, 16 मेंबर मतलब शुरू के जो 8 हैं वो कहलाते हैं पैदल सैनिक या पिद्दल, या इंग्लिश में हम इसको पॉन भी बोलते हैं, और पीछे के जो 8 हैं ये मुख्य लड़ाकू कहलाते हैं, मुख्य वॉरियर्स हैं ये मैच के, ठीक है। तो ये जो सबसे पहले ये खड़ा हुआ है, जिसके सिर पे प्लस का साइन बना हुआ है, ये है मैच का राजा, इसको किंग भी बोलते हैं हम, ठीक है। या दूसरी साइड भी आके देख सकते हैं, और ये इसके जो बाजू में खड़ा हुआ है वो है इसकी रानी, या इसको कई बार वजीर भी बोलते हैं, ठीक है, तो मिनिस्टर भी बोलते हैं, या तो हम इसको क्वीन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाजू से खड़ा हुआ है ऊंट, रानी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लोग ऐसा कहते हैं कि यदि आपकी गेम में रानी चली गई इसका मतलब है गेम ही ख़त्म हो गया आपका। तो तीसरे नंबर पे है ऊंट, ऊंट जो है उसको बिशप बोलते हैं इंग्लिश में, ऊंट टेढ़ी चाल चलता है या तिरछा चलता है ऊंट, ठीक है। ऊंट दो होते हैं किसी भी एक टीम के पास, मतलब पूरे गेम में 4 ऊंट होते हैं, 2 वाइट के पास होते हैं और 2 ब्लैक के पास होते हैं, ये दिख रहे हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट मेंबर आता है घोड़ा, जिसको हम नाइट भी बोलते हैं, नाइट मैच में 4 होते हैं, 2 होते हैं ब्लैक टीम के पास और 2 होते हैं वाइट टीम के पास, ठीक है, नाइट इसको बोलते हैं, और नाइट जो है 2.5 कदम चलता है, ठीक है। और लास्ट में हमारा जो मेंबर है वो है हाथी, हाथी जो है वो सीधी चाल चलता है, किसी भी मैच में 4 हाथी होते हैं चेस के मैच में, 2 व्हाइट वाली टीम में होते हैं और 2 ब्लैक वाली टीम में होते हैं। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है, अगली क्लास जरूर देखिएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा जनरल मूवमेंट्स एंड रूल्स फॉर पॉन नाइट एंड रुक, मतलब पैदल हाथी और घोड़े की चाल क्या होती है और इनके क्या नियम है चलने के। तो यदि आपको चेस मास्टर बनना है तो प्लीज़ हमारे वीडियोस देखते रहिएगा, पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिएगा। शुद्ध हिंदी में है, अभी तक की क्लासें आपने देखी होंगी ऑनलाइन इंग्लिश में रहती हैं, इसलिए मैं ये स्पेशली आपके लिए हिंदी में लेकर आया हूँ। यदि आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोज़ चेस के ही नहीं, मैथ्स, फिजिक्स, कंप्यूटर, SST, साइंस, सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ लाते रहते हैं। थैंक यू। Oh.